बिगनगांव नगर में पुलिस थाना प्रभारी जगदीश गोयल और प्रशासन ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए उनके अच्छे वातावरण के लिए रैली निकाली। लड़कियों को छेड़ना गलत है, नारी का सम्मान करें के नारे लगे। मध्य प्रदेश पुलिस आपके साथ है, 100 डायल करें। इसमें दुर्गा वाहिनी, महिला बाल विकास, SDM ओम प्रकाश सिंह, SDOP प्रवीण कुमार उइके, तहसीलदार देव कुंवर, नायब तहसीलदार ममता मिंगरोड, थाना प्रभारी जगदीश गोयल, सहायक उप निरीक्षक अंतिम बाला बुरिया, सहायक उप निरीक्षक हरिप्रसाद, आरक्षक चिलाराम, आरक्षक विश्राम मौजूद थे। भिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, जन जागरूकता, उनके विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर के महिलाओं से संबंधित अधिकारों के लिए, उनके सुरक्षा संबंधित उपायों के लिए और उनके लिए हेल्दी एवं गुड वातावरण संबंधित प्रचार प्रसार के लिए रैली निकाली जा रही है। सर, नारी अत्याचार, अपमान, उत्पीड़ना जो हो रही है, तो आपको लगता है ऐसे यात्राओं से नारी सशक्तिकरण आएगा? नारी सशक्तिकरण तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है। बाइला मतलब मामा जी हैं, बालिकाओं के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और उन्होंने सबको रख करके ही राज्य सरकार ने पूरे प्रोग्राम को करा और हम सब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और आप जन पत्रकार और समाज सेवा मिल करके इसी जन जागरूकता के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्रों को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए जन जन तक नियमों का और बहुत सारे योजनाओं से संबंधित बताया जा रहा है। सुरक्षा से संबंधित उनके जो भी उपाय सर्वश्रेष्ठ स्तर पर किए जा सकते हैं, उन संबंध में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसीलिए रैली निकाली जागरूकता संबंध। सर, नारी सम्मान के लिए आपके द्वारा कोई विचार मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही है कि नारी सदैव सचेत रहे और हमारी अभी पुलिस टीम, महिला पुलिस टीम भी और अधिकारी लोग भी जो बच्चियाँ हैं उनको विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय संबंधित सचेतक इंडिकेशन को समझाएंगी। मैं और SDOP साहब, थाना प्रभारी, ये सब हम लोग जगह जगह जो पॉइंट हमको लगते हैं कि कोई एकांत क्षेत्र है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर सुरक्षा संबंधी कोई थोड़ी बहुत भी ढील हो, उस चीज़ को सचेत करेंगे कि जिस क्षेत्र में अगर कहीं कुछ अंधेरा लगता है जहाँ आवागमन बच्चियों का, महिलाओं का अधिक है, उधर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो भी सुरक्षा के उपाय सिस्टम होंगे, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, उसके लिए हम पूरा प्रशासन लगा रहेगा भीगन गाँव में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।